रहेंगे, आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। और जो हमारे 7 बिंदु हैं, 8 बिंदु है क्रमवार, उन पे आपको चर्चा करके ये हमारे काम भी हल कराने पड़ेंगे। किसान को कोई शौक थोड़ी है अपनी किसानी छोड़ के और आपके दरवाजे पे आके बैठे। फसल का टाइम होता है लेकिन मजबूरी में हम लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, और आप जैसे अधिकारी का जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, इतने बड़े पद पे जिले में आप बैठे हैं और आपका व्यवहार इतना निंदनीय है, आप धमकाते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, तो आप यहां अधिकारी हमारे नौकर होते हैं जिले में। हमारे जिले में जो भी अधिकारी है वो हमारे नौकर है किसानों के, वो हमारे माई बाप नहीं है। तो आज हम आपके कान खोलने यहां आपके कार्यालय पे बैठे हैं, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप माफी नहीं मांग लेते। और हमारे जो क्रमवार 8 बिंदु हैं, इन पे हमसे चर्चा करके एक एक पे स्पष्ट हमें नहीं बता देते कि हमारे इन लोगों के काम कैसे होंगे। आपके अधिकारी SIT के नाम पे किसान को गुमराह करते हैं, चकबंदी में जो जमीनें हैं उनमें गोलमाल करने का काम करते हैं। इतनी अनियमितताएं आपके कार्यालय में चल रही है।